अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए एक और कंपनी की रेफ्रिजरेटर का रिव्यू लेके आया हूँ, जो कि है पेल कंपनी का रेफ्रिजरेटर। और ये जिस साइज़ का आज आपके लिए मैं रिव्यू करूँगा, ये ज़्यादातर लोग जो है शॉप्स पे, ऑफिस वगैरह में, या जिनकी छोटी फैमिली है उनके लिए साइज़ बहुत ज़बरदस्त है, बहुत परफेक्ट साइज़ है। और ये काफ़ी ज़्यादा सेल भी होता है जिनकी फैमिली शॉर्ट हैं या जो कोई ऑफिस वगैरह में इसे रखना चाहते हैं। एक इसे और छोटा साइज़ भी आता है जो कि आपको ये स्क्रीन में मैं दिखा देता हूँ, गोल्डन कलर में जो नज़र आ रहा है आपको, लेकिन ये साइज़ थोड़ा उससे छोटा है, लेकिन इसकी निस्बत कस्टमर ज़्यादा इसे पसंद करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर 2.5 से 3 हज़ार रुपये का सिर्फ फ़र्क है, लेकिन इसके अंदर स्पेस जो है वो काफ़ी बेहतर है। सबसे पहले इसके मॉडल की बात करते हैं। इसका जो कंप्लीट मॉडल है वो है PRLP 2200 लाइफ। इसकी सीरीज़ है, 2200 इसका मॉडल है, और इसकी सीरीज़ का नेम जो है वो लाइफ है। कंपनी जो है ये पेल है। इसकी जो इस वक्त मार्केट में रिटेल प्राइस है वो 52,900 रुपीज़ है। इसके अंदर कंपनी ने जो प्लास्टिक इस्तेमाल किया है वो ABS प्लास्टिक जो है वो इसके पॉकेट्स के अंदर कंपनी ने लगाया है। इसे ABS प्लास्टिक बोलते हैं, फूड फ्रेंडली ग्रेड का ये प्लास्टिक होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है पेल की रेफ्रिजरेटर के अंदर एक बड़ी ख़ास बात ये है कि इनकी हर एक रेफ्रिजरेटर के ऊपर आपको ये टैग लगा नज़र आएगा कि ये 99.9% प्योरिस्ट कॉपर में है। पेल के अलावा आप किसी भी कंपनी की रेफ्रिजरेटर देख लें, आपको बोलेंगे तो ज़रूर शॉप्स वाले जो हैं जी ये कॉपर में है, लेकिन पेल के अलावा किसी कंपनी ने ऊपर ये नहीं लिखा। पेल की आप जंबो फ्रिज देखें, सबसे छोटी देखें, बेडरूम साइज़ देखें, मीड, कोई भी फ्रिज देखें, सबके ऊपर आपको ये टैग लगा नज़र आएगा 99.9%। साथ कंपनी लिखा प्योरिस्ट कॉपर के, खालस कॉपर है, जिसकी वजह से ये मोर एफिशिएंट है और मोर ड्यूरेबल भी है। कॉपर की जो फ्रिज होती है 20 साल बाद भी उसका कंडेंसर लीक नहीं होता, उसकी पायदारी जो है वो ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा जो है इसके अंदर फास्ट फ्रीजिंग की ऑप्शन भी है। फास्ट फ्रीजिंग में ये है कि इसके पाइप्स जो हैं वो कंपनी ने ओपन दिए होते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसके जो पाइप वगैरह हैं, कूलिंग पाइप, ये इसके ओपन है। बहुत सारी कंपनीज ने कंसील्ड पाइप कर दिए हैं, उसके ये पाइप नज़र नहीं आते, प्लास्टिक की एक वो बॉडी सी इसके ऊपर लगा दी, ये उन्होंने अंडरग्राउंड कर दी हैं, कवर कर दिए हैं, जिसकी वजह से वो कूलिंग जो है वो थोड़ी स्लो करती हैं, जिनके पाइप जो हैं वो कंसील्ड आते हैं। इसी वजह से कंपनी ने लिखा हुआ है कि ये 25 मिनट के अंदर फास्ट फ्रीजिंग क्विक आइस जो है वो बनाना स्टार्ट कर देती है। उसके अलावा इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो 0.85 एम्पेयर है, मतलब कि 1 एम्पेयर से भी कम बिजली ये लेती है, ठीक है। 1 एम्पेयर में तकरीबन 220 वाट होते हैं, तो ये 200 वाट से भी कम बिजली लेती है। उसके अलावा जो है इसके अंदर कंपनी ने जो गैस इस्तेमाल की है वो R134 गैस इस्तेमाल की है, ये काफ़ी तेज़ गैस होती है। उसके अलावा इसकी अगर वारंटी की बात करें तो 10 साल कंपनी इसके कंप्रेसर की वारंटी देती है, 1 साल जो है इसके ओवरऑल पार्ट्स की वारंटी देती है। इसकी स्पेस देखें, ये काफ़ी मुनासिब सी स्पेस है छोटी फैमिलीज़ के लिए, ऑफिस वगैरह के लिए या शॉप्स वगैरह के लिए, जो लोग अपने इस्तेमाल के लिए थोड़ी चीज़ें रखना चाहते हैं। इस दोस्तों कलर्स की बात कर लें, इसके अंदर 2 कलर्स आते हैं, एक सिल्वर ग्रे कलर आता है इसके अंदर, उसके अलावा इसके अंदर एक गोल्डन कलर आता है। तो ये था आज का रिव्यू जो कि हमने पेल कंपनी के रेफ्रिजरेटर का आपके लिए किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही हमें इजाज़त है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।